आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। सो बहुत ही बड़ा साइकिल है, पार्ट बाय पार्ट हमको इसको समझना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अगर हम इस साइकिल को देखेंगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो उसके लिए हमको व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल उसका पता होना चाहिए और कुछ जो टर्म्स यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन साइकिल में लिखे हैं उनका भी पता होना चाहिए, जिनको हम पहले समझ लेंगे और फिर जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली क्या चीज़ है? नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स द इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल क्या है? ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है और हम जानते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है वो है 78%। अब ये जो गैसीयस नाइट्रोजन है इसका इस्तेमाल ना प्लांट्स कर नहीं पाती। सो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स को गैसीयस नाइट्रोजन की किस लिए जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स, ठीक है, फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाती है, अमाइनो एसिड्स बनाती है, तो फिर प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिलता कहाँ से? तो ऑब्वियसली यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है सॉइल तक, तब जाकर जो प्लांट्स है वो इसका इस्तेमाल कर पाती है। सो यहाँ से आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो गैसीयस नाइट्रोजन है N2 गैस, जो गैसीयस नाइट्रोजन है इसका इस्तेमाल प्लांट्स नहीं कर सकती, ठीक है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तब जाकर वो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करके उसका इस्तेमाल कर सकती है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड। तो ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पर जो इनर्ट नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट किया जाता है मोर यूजेबल फॉर्म में फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सिर्फ पौधों के लिए नहीं एनिमल्स के लिए भी ये कन्वर्शन किया जाता है। सो ये जो कन्वर्शन होता है वो मेनली दो तरीके से हो सकता है, मतलब गैसीयस नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म में कन्वर्शन दो तरीकों से होता है। पहला वाला जो तरीका है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। तो यहाँ पर लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, मतलब बिजली का कड़क होना, है ना, जब आंधी तूफान आता है, भारी बरसात होती है तो बिजली कड़कती है ना। सो ये जो लाइटनिंग है इसकी मदद से जो इनर्ट नाइट्रोजन गैस है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? तो ये जो लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबाइन करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और क्योंकि बारिश भी होती है तो बारिश का पानी यानी कि जो वाटर वेपर है, जो रेन वाटर है, उसके साथ ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं, डिसॉल्व करके नाइट्रेट्स बनाते हैं और सॉइल तक वो आते हैं और फिर सॉइल से यही नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करती है प्लांट्स, वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी के साथ। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसके पार्ट्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर वो जो प्रोटीन्स है या अमाइनो एसिड्स है उनका सिंथेसिस करती है। सो ये गया पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो यहाँ पर ना हमको कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद की ज़रूरत होती है। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो गैसीयस नाइट्रोजन को ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक डाया एजोट्रॉफ, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ये काम करते हैं जो कि गैसीयस नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर रिएक्शन के तौर पे क्या दिखाया गया है कि जो नाइट्रोजन गैस है यहाँ पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है नाइट्रोजनस, वो क्या करता है नाइट्रोजन गैस को एमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम जानते हैं ना कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसका लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में वो रहता है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों का। जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, ठीक है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इस एहसान को कैसे चुकाता है, वो इस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में ताकि पौधे उसका इस्तेमाल कर सके। तो कौन सी एंजाइम के मदद से वो ऐसा करता है, वो है नाइट्रोजनस।
अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, यहाँ पर आपको तीन टर्म्स मिलेंगे। सबसे पहला जो टर्म है उसका नाम है, या वो टर्म क्या है, वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको खुले आंखों से ना दिखे, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या अदर टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स को तोड़ते हैं। कहाँ पे ये होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स, ये होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में। सो उनको तोड़कर वो अमोनिया में बदल देते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी मदद चाहिए होती है, वो है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। सो यहाँ पर दो स्टेप में ये काम पूरा होता है। सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। सो अमोनिया जो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तब जो बैक्टीरिया का जरूरत होता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनस, और फिर यही नाइट्राइट हमको नाइट्रेट देता है, तब जो बैक्टीरिया की जरूरत होती है वो है नाइट्रोबैक्टर। सो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों ही क्या है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, अमोनिया का सबसे पहले नाइट्राइट में बदलना और फिर इसी नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्शन होना। जो नेक्स्ट टर्म है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो कहलाते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनमें नाइट्रोजन है ऐसे कंपाउंड्स, वो क्या करते हैं, उनको दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुँचा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैशियस नाइट्रोजन। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है उनको गैशियस नाइट्रोजन में दोबारा से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया जाता है। सो यहाँ पर जो नाइट्रेट का कन्वर्शन हो रहा है नाइट्रोजन गैस में, यहाँ पर दो बैक्टीरिया मदद करते हैं जिनको हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कह रहे हैं। पहला है क्लॉस्ट्रिडियम, दूसरा है स्यूडोमोनस। सो इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो घटता नहीं है, वो 78% ही रहता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उन्हीं नाइट्रोजिनस कंपाउंड से हमको दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी मिल रहा है। किसकी मदद से, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ये काम कर रही है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमको नाइट्रोजन साइकिल में समझने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो चीज़ मैंने बताया आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अब हम फोकस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो कन्वर्शन हो रहा है यूजेबल फॉर्म में बाई लाइटनिंग, उसको देखेंगे। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है, ये इनर्ट फॉर्म है, इसका इस्तेमाल पौधे या एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। सो क्या होता है, बिजली कड़की, बिजली कड़कने से क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाया। फिर बारिश के पानी से वो डिजॉल्व हो गए और वो पहुँच गए सॉइल में। तो सॉइल में वो अभी किस फॉर्म में है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो अब ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल है, ये कौन अब्सॉर्ब कर लेगा पानी के साथ, प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो प्लांट्स ने क्या किया, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड सिंथेसाइज किया, जैसे कि प्रोटीन या अमीनो एसिड। अब इन्हीं प्लांट्स को जब कोई एनिमल खाएगा, तो उसके बॉडी में ये जो बनाया हुआ प्रोटीन था या अमाइनो एसिड था, वो उस एनिमल की बॉडी में चला जाएगा। फिर एनिमल जो एक्सक्रीट करेगा या उसके मर जाने के बाद क्या होगा, वही नाइट्रोजिनस कंपाउंड दोबारा से हमको सॉइल में मिल जाएगा। अब यही नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, जिनका नाम क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनस है, वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की मदद से, यानी कि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो ये था किस तरीके से लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में मदद करता है। अब हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन को समझेंगे।
तो हमने क्या कहा था, मतलब मैंने क्या कहा था आपसे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको कुछ बैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद की ज़रूरत होती है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन गैस को पकड़ कर कहीं पर फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, जो इनर्ट नाइट्रोजन गैस है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना सो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल कैन यूज इट। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमने राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसके बारे में पढ़ा, और भी कौन कौन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो है डायजोट्रोफ, एजोटोबैक्टर और साथ ही साथ जो ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो ये जो नाइट्रोजन को फिक्स किया तो वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, जहाँ पर हमने राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से पढ़ा था तो वो क्या करता है, वो जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में वो रहता है, वो उसका घर जैसा है, तो वो डायरेक्टली क्या करता है, नाइट्रोजिनस एंजाइम की मदद से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको या तो अमोनिया या फिर नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से तो हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि वो नाइट्रोजन गैस को, जो बाकी बैक्टीरिया है उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया फिर फर्दर जाकर पहले नाइट्राइट में बदलता है, जिसके लिए हमको नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की मदद की ज़रूरत होती है, जो कि एक नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। फिर ये नाइट्राइट आगे चलकर नाइट्रेट में बदलता है, इसके लिए हमको नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की जरूरत होती है, जो अगेन एक नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। सो अभी क्या हो गया, सॉइल में नाइट्रेट्स मौजूद है, तो इन्हीं नाइट्रोजिनस कंपाउंड को क्या करेंगे, प्लांट्स रूट्स की मदद से अब्सॉर्ब करेंगे, फिर इन्हीं नाइट्रोजिनस कंपाउंड की मदद से वो सिंथेसाइज करेंगे अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन। अब इन पौधों को जब प्लांट्स ईटिंग एनिमल खाएंगे, मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स खाएंगे, यानी कि हर्बीवोर्स खाएंगे, तो तब क्या होगा कि उनके बॉडी में भी यही अमाइनो एसिड और जो प्रोटीन्स है वो पहुंचेगा। फिर जब वो एक्सक्रीट करेंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, तो यही जो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स थे, यानी कि अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स थे, वो दोबारा से सॉइल में पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजिनस कंपाउंड को अगेन गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। सो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज कॉन्स्टेंट, विच इज 78%। सो आशा करती हूँ कि आपको ये जो साइकिल है जैसे ड्रॉ करके मैंने बताया है वो भी आपको समझ आया होगा, और जिस तरीके से मैंने हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया था वो भी आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली एरो है ये डीनाइट्रिफिकेशन को बता रही है, तो ये यहाँ पर बीच में ब्रेक हो गई है। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसमें इन बैक्टीरिया का ज़रूरत हो रहा है, इनका ज़रूरत हो रहा है इन दो प्रोसेस में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बीच में जगह कम थी ना, बहुत बड़ा साइकिल है इसलिए ये बीच में आ गया। सो ये डायरेक्टली ऐसा ग्रीन एरो चला जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन गैस बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्विक रिविजन सेशन है तो हम साथ ही साथ जो सीटेड साइंस पेपर 2 के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यानी कि इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। सो जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनको सॉइल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अमोनिया में कन्वर्शन तो होता है, वहाँ से वो नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से वो नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट होता है, तब जाकर जो प्लांट्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रेट्स। आगे बढ़ेंगे,
तो यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ के देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर गिवन बिलो। सो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं, तो किसके बाद कौन सा स्टेप होगा वो हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम सारे स्टेप्स को एक बार पढ़ लेते हैं। रेन वॉशेस डाउन द गैसियस नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू सॉइल। सो बारिश का पानी क्या करता है, जो गैसियस नाइट्रोजन कंपाउंड्स बने थे एटमॉस्फेयर में उसको धोकर सॉइल तक पहुंचाते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर वो सॉइल तक पहुंचते हैं। फिर क्या बताया गया है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो बिजली कड़क कर क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है उसको स्ट्राइक करती है। ठीक है, ये भी समझ लिया। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। सो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स है उसको दोबारा से गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। प्लांट्स अपटेक द नाइट्रोजन कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है उसका इस्तेमाल प्लांट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सो जो एनिमल्स है वो पौधों को खा रहे हैं और फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड को वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या था, बिजली का कड़कना ए होना चाहिए, तो सबसे पहले वाला ये फर्स्ट पॉइंट है। बिजली के कड़कने से क्या होगा, जो बिजली है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्ट्राइक करेगी और वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे। फिर बारिश के पानी के साथ ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो धुलकर सॉइल तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। फिर वो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे अमाइनो एसिड बनाने के लिए या फिर प्रोटीन्स बनाने के लिए, और इन पौधों को जब कोई एनिमल खाएगा तो उसकी बॉडी में वही अमाइनो एसिड और प्रोटीन चला जाएगा। जब वो एक्सक्रीट करेगा तो एक्सक्रीटा में क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। सो अभी सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि इन्हीं नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप। सो उस हिसाब से सबसे पहला है बी, फिर दूसरा है ए, तीसरा है डी, चौथा है ई और पांचवा है सी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी में, और देखिए आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पौधों में उसके बारे में कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको हमको चूज करना है। सो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर कहा गया है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स, तो ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू रिलीज नाइट्रोजन गैस, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में कहा गया है। डीनाइट्रिफिकेशन जो कि पॉसिबल हो पाता है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से। कौन कौन थे, वो था क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्यूडोमोनस। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। डीकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, तो सिर्फ अमोनिया तक होकर ये रुक नहीं जाता क्योंकि अमोनिया का इस्तेमाल प्लांट्स नहीं करती है, वो इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट्स का इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड और प्रोटीन, राइट। तो ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अमोनिफिकेशन के बारे में कहा गया है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पर कहा गया है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइटनिंग के मदद से क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके बनाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो ये एक्चुअली क्या है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर अमोनिया से नाइट्राइट्स पहले बनता है
और फिर जाकर नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। सो यहाँ पर दो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की हमको ज़रूरत होती है, एक होता है नाइट्रोबैक्टर और दूसरा है नाइट्रोसोमोनस। सो ये आपको ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए कि आपका भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल से मिताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ दोबारा मैं आपसे मिलूंगी अपने ही चैनल पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।